कोरबा पुलिस की अभिनव पहल, आयोजित किया गया कोटवार सम्मेलन एवं गुम मोबाइल वितरण कार्यक्रम। कोरबा जिले में अपनी पदस्थापना के साथ ही एसपी भोजराम पटेल द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत अभिनव पहल किए गए, जिसके तहत खाकी के रंग, स्कूल के संग, शिक्षक सम्मान, पुलिस तुम्हार द्वार आदि कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में शुक्रवार 8 अप्रैल को एसपी की एक नई पहल पर जिला पुलिस द्वारा टीपी नगर स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में कोटवार सम्मेलन एवं गुम मोबाइल वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे योगदान करने वाले कोटवारों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोटवार सम्मेलन एवं गुम मोबाइल वितरण कार्यक्रम में 111 गुम मोबाइलों को बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस किया गया। सर, निश्चित तौर पर बात करें तो ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है, कोटवार सम्मेलन और मोबाइल वितरण। तो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी तक सर कितने मोबाइल गुम सूचना आप लोगों के पास आई और कितने आपने वितरण किए? अभी तक हमारे जिले में मेरे ज्वाइन करने के बाद में ये सेकंड, मतलब ये सेकंड पल है जिसमें हम लोगों ने गुम मोबाइल को वापस किया। इससे पहले हम लोगों ने सितंबर माह में करीबन लगभग 120 मोबाइल उस समय भी हम लोगों ने वापस किया था। उसके बाद जो शिकायतें प्राप्त हुई थी गुमने की, उसके आधार पर हम लोगों ने कार्य किया और आज हम लोग लगभग 111 मोबाइल को उसको वितरित कर रहे हैं। सर, हम बात करें कोटवार सम्मेलन की, सर कितना लाभ मिलेगा इससे लोगों को? कोटवार हमारे पुलिसिंग सिस्टम का सबसे मुख्य बिंदु है। जैसे कि बोलते हैं गांव से शहर तक या शहर से गांव तक, उसी प्रकार कप्तान से कोटवार तक, कोटवार से कप्तान तक। गांव के मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कोटवार वहां के मुखिया यानी कि एक प्रकार से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं और जिले में जैसे कप्तान। तो ये एक जो सूत्र बना हुआ है यानी कोटवार से कप्तान तक की, इसको ये सूत्र तो अभी भी बना हुआ है लेकिन इसको और अधिक मजबूत करके एडवांस करने की जरूरत थी। तो इसीलिए मैंने ये सम्मेलन बुलाया था कि हम लोगों के उद्देश्य को बहुत अच्छा से वो लोग समझ सकें और आने वाले दिनों में वर्कशॉप के माध्यम से इसको और मजबूत बना सकें, इसीलिए मैंने सम्मेलन का आयोजन किया। सर, जैसे अपन बात करें पहले के समय को लेकर और अब के समय को लेकर, पहले जो टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं थी, अब जो टेक्नोलॉजी अपडेट है, तो सर इसमें अपडेट करने के लिए कोटवार लोग को कुछ और सुविधाएं दी जा रही है कि वैसे ही चलेगा? इसमें सबसे पहला चीज तो अभी मैं एक इसमें अभी धीरे धीरे, जैसे कि आज ये फर्स्ट डे है, वर्कशॉप के माध्यम से कितने कोटवार हैं जिनके पास में मोबाइल है या उनके पास व्हाट्सएप सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज का एक मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा और रिकॉर्ड बनाने के बाद में इस दिशा में आगे कलेक्टर मैडम जी के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि इस पर हम और अच्छा से कार्य कर सकें। दूसरा चीज, उसमें ऐसे कितने कोटवार हैं, चूंकि अभी हम लोगों ने देखा कि काफी सारे यंग हैं जिन्होंने बीए बीएससी किया हुआ है, काफी दीदी लोग भी हैं और मतलब एक महिला जो कोटवार हैं उनकी भी संख्या है। तो जो लोग यंग जनरेशन है निश्चित रूप से उन्होंने 12वीं या बीएससी किया है, तो उन लोगों को उस प्रकार से ट्रेनिंग दे करके सिर्फ कोटवार तक ही नहीं और उनको एडवांस बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसके साथ जो पहले के हैं जिनको इन टेक्नोलॉजी को नहीं आता है, तो उनको लिए भी हम लोग इस प्रकार से ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 4-5 कोटवारों का ग्रुप हुआ जिसमें एक एडवांस टेक्निक को जानता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसे हम लोग, जैसे कि शिक्षा विभाग में संकुल सिस्टम होता है, पुलिस में बीट सिस्टम होता है, तो वैसे मैं कोशिश करूंगा कि अपने बीट के जितने कोटवार हैं उनका एक अपना ग्रुप बने, ताकि अगर इसमें किसी को टेक्नोलॉजी नहीं भी आती है तो उसको हेल्प हो सके। थैंक यू सर, वेलकम। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है।